भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमें एक रेगुलर एक इशू पे फेस कर रहे थे कि हम जब गवर्नमेंट पे कोई भी काम करते हैं, जैसे कि जेम पोर्टल, तो हम जेम पोर्टल के बारे में जहाँ पे ज्यादातर डिस्कशन कर रहे हैं कि जेम पोर्टल में पेमेंट का जो इश्यू है, बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनको डिलीवरी के बाद पेमेंट नहीं मिलता या डिलीवरी हुआ तो उनका रिसिप्ट नहीं मिलता, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने नोट्स निकाला है जिसके अकॉर्डिंगली है क्या कि आपका पेमेंट डिले हुआ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये जेम के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये वहीं से मैं उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकाल रहा हूं, जो 3 जुलाई 2020 का ये नोटिस है। इस नोटिस में आपको लिखा हुआ है कि आप यदि एमएसएमई से बिलोंग करते हो, मतलब आपके पास उद्यम का सर्टिफिकेट है, तो आपको आफ्टर सीआरसी यदि आपको नहीं मिलता है पेमेंट विद इन 10 डेज, तो आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट के साथ आप बायर को आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिखा है कि डिले, यदि आप पेमेंट में डिले करते हैं, तो मैं इसका एक प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपका सीआरसी, ये सीआरसी क्या है? तो कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। सीआरसी जनरेट कैसे होता है? तो सीआरसी जनरेट करने के लिए जब आप कभी भी आपको ऑर्डर मिलता है तो आप माल डिलीवरी करते हो, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको आप डिलीवरी करते हो। डिलीवरी होने के बाद इसको एक आपको एक मटेरियल मिल गया, इसके लिए वो पहले पीआरसी बनाते हैं, और पीआरसी के बाद मटेरियल चेक होता है, और चेक होने के बाद जो ये मटेरियल सही है उसके लिए एक सीआरसी बनता है। ये कौन करेगा? ये बायर करेगा। तो यहाँ पे कंसर्न एक ये आता है कि बायर मटेरियल तो रिसीव करते हैं पर जेम पे सीआरसी जनरेट नहीं करते। तो मैंने एक पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि बायर सीआरसी जनरेट नहीं करता है तो आप जो आपने डिलीवरी किया उसका चालान ले लीजिए और वो जेम के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड कर देंगे ऑटो सीआरसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है जेम पे। यदि बायर आपका मटेरियल को रिसीव नहीं करता है विद इन 15 डेज तो आपका ऑटो सीआरसी बन जाएगा, ऑटोमेटिकली उनको मटेरियल रिसीव हो जाएगा। ये रहा सीआरसी का, जैसे ही मटेरियल रिसीव हो जाएगा ऑटो, उसके 10 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट क्लियर करना है। यदि वो पेमेंट ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनको इंटरेस्ट के लिए बोल सकते हैं और उसके लिए ये नोटिस आप उनको दे सकते हैं, जो आपको मैं अटैचमेंट के लिंक दे दूंगा जहां से आप ये नोटिस डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ये 1% पर मंथ के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। याद रखेंगे उसके लिए आपके पास उद्यम होना जरूरी है, आपके प्रोफाइल में उद्यम का सर्टिफिकेट अपडेट होना जरूरी है। यदि आपका उद्यम अपडेट है तो आप 1% इंटरेस्ट के लिए करेंगे। आपको कहीं से कोई क्लेम नहीं करना है, क्लेम के लिए भी ऑप्शंस दिया हुआ है जेम पोर्टल पे। यदि आप चैनल पे लॉगिन करेंगे तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सेलर के पोर्टल से लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मिलता है विविध से विश्वास, यहाँ पे जाके आप डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। एमएसएमई अपडेट कहाँ पे होगा? तो माय अकाउंट में आपको चेक करना है, उद्यम में, कि आपका उद्यम अपडेट है कि नहीं। यहाँ पे आपको एमएसएमई मिलता है, ये आपका अपडेट होना चाहिए, ये दो चीजें। और थर्ड है कि आपको ऑर्डर्स मिला तो आप ऑटो सीआरसी कैसे बनेगा। यहाँ पे जैसे
एक्सेप्ट होता है, डिस्पैच करना आपका काम है, रिसीव करना बायर का काम है। जैसे ये मेटेरियल मेरा रिसीव नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस ऑर्डर में जाएंगे, और यहाँ पे शिपमेंट वाइज, और यहाँ पे देखो अपडेट डिलीवरी डिटेल्स दिया हुआ है। अपडेट डिलीवरी डिटेल्स में जाके आपको यहाँ पे आपको जो प्रूफ आपने भेजा है, यदि आप कुरियर किए हैं तो कुरियर का ट्रैकिंग का डिटेल्स, यदि बाय हैंड किया है तो आप रिसिप्ट कॉपी यहाँ पे अपलोड करके डिलीवरी का वो डेट डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली ये आपको बायर को 15 डेज का टाइम देगा, 15 डेज में बायर ने सीआरसी नहीं बनाया तो ये ऑटो रिसीव हो जाएगा। ऑटो रिसीव होने के बाद ये पेमेंट के लिए उनको देखना चालू हो जाएगा, और रिसीव होने के बाद यदि बायर पेमेंट नहीं करता है तो उनको और एक प्रॉब्लम ये आएगा कि ये रेड फ्लैग उनको डिस्प्ले भी होना चालू कर दिया जाएगा कि आप पेमेंट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से यदि आपका कहीं पर कोई पेमेंट रुक जाता है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे ट्रेनिंग हर मंथ में ऑनलाइन के दो और ऑफलाइन के एक बैच होते हैं। आप चाहो तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे पूरे कोर्स का ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं, जहां पे हम सेलर प्लस बायर दोनों पार्ट कवर करते हैं।